Friends, today that we deal with the fourth component of the alimentary canal, that is the stomach. Stomach is also called as the gastro, and it is the widest part of the organ of the alimentary canal. It is the widest organ of the alimentary canal. Alimentary canal का ये widest part है. अगर हम इसकी शेप देखेंगे, शेप इसकी शेप की अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ द जे शेप्ड ऑर्गन. तो अगर हम देखेंगे इट इज़ द जे शेप्ड ऑर्गन. तो अगर हम देखेंगे रिगार्डिंग द स्टोमक, स्टोमक के दो बड़े कर्वेचर्स होते हैं. एक तो लेसर कर्वेचर होता है, दूसरा ग्रेटर कर्वेचर होता है. सो स्टोमक पोजेस द टू कर्वेचर्स. कौन कौन सा कर्वेचर होता है? एक को हम बोलते हैं दैट इज द ग्रेटर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर तो ये है. और अगर हम दूसरे की बात करेंगे तो इट इज अ लेसर कर्वेचर. तो अगर हम ग्रेटर कर्वेचर की बात करेंगे तो कहाँ से होता है? इट इज Present towards the anterior side. तो अगर हम lesser curvature की बात करेंगे तो ये कहाँ से present होता है? It is present or it lies on the posterior surface of the stomach. So it lies on the posterior surface of the stomach. स्टोमक का ही पोस्टीरियर सरफेस है. तो अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम इसकी बात करेंगे, जो स्टोमक होता है तो इसको पेरिटोनियल फोल्ड्स होता है. उस पेरिटोनियल फोल्ड से ये स्टोमक जो होता है ये अटैच होता है बॉडी वॉल के साथ. एंड वी कॉल दीज फोल्ड्स एज द ओमेंटम. सो वॉट इज द ओमेंटम? ओमेंटम दीज आर द पेरिटोनियल फोल्ड्स जिससे ये स्टमक जो है इट गेट एडहर विद द बॉडी वॉल्स. और जो ये ओमेंटम है इट स्टोर्स ये क्या स्टोर करता है? ये स्टोर करता है फैट. सो अगर हम देखेंगे, फिर से मैं आपको यहाँ से बोलूँगा, जो स्टोमक है इसको हम गैस्टर भी बोलते हैं. विडेस्ट ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कनाल है. एलिमेंट्री कनाल का सबसे वाइड पार्ट जो है वो स्टोमक ही है. तो इसकी शेप अगर हम देखेंगे तो जे शेप्ड है. इसके दो कर्वेचर्स आते हैं, एक एंटीरियर साइड से, दूसरा पोस्टीरियर साइड से. जो एंटीरियर साइड से है तो उसको हम ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर सरफेस से जो प्रेजेंट है कर्वेचर उसको हम बोलते हैं लेसर कर्वेचर. इतना ही नहीं, जो ये स्टोमक है, स्टोमक किसके साथ होता है? अटैच्ड स्टोमक गेट अटैच्ड विद द बॉडी वॉल एंड वी कॉल दिस यू नो अटैचमेंट एज द वी कॉल दीज फोल्ड्स पेरिटोनियल फोल्ड्स एज द ओमेंटम. एंड इट इज द ओमेंटम विच स्टोर्स द फैट. ये ओमेंटम ही है जो स्टोर करता है फैट को. नाउ पार्ट्स ऑफ द स्टोमक, देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ स्टोमक और गैस्टर. कौन कौन से पार्ट्स है स्टोमक के? द फर्स्ट वन इज दैट इज, अगर मैं यहाँ से लिखूंगा तो यहाँ से भी मैं नंबरिंग दूंगा. द फर्स्ट वन इज दैट इज द कार्डियक पार्ट. सो यहाँ से मैं लिखूंगा, यहाँ से ये फर्स्ट वन है, कार्डियक पार्ट ये है. द सेकंड वन इज दैट इज द फंडस. जो फंडस है ये दूसरा पार्ट है. तो फंडस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये सेकंड पार्ट है स्टोमक का. द थर्ड पार्ट इज दैट इज द बॉडी. अगर हम देखेंगे तो थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोमक क्या है, तो वो तो बॉडी है. तो यहाँ से अगर मैं दिखाऊंगा तो ये तो बॉडी है, तो यहाँ से मैं दिखाऊंगा ये बॉडी है. द फोर्थ पार्ट इज दैट इज द पाइलोरिक पार्ट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द स्टोमक. तो मैं यहाँ से दिखाऊंगा इट्स द पाइलोरिक वन. तो पाइलोरस है ये पाइलोरिक एंटरम. तो यहाँ से ये फोर्थ पार्ट है जो नीचे वाला हिस्सा है, तो इट इज़ अ पाइलोरिक पार्ट. नाउ कम अपॉन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक दैट इज द कार्डियक पार्ट. नाउ व्हाट इज द कार्डियक पार्ट? कार्डियक पार्ट को हम कार्डिया भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कार्डिया भी बोलते हैं. इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक्चुअली इट इज प्रेजेंट नियर द हार्ट.
अगर हम देखेंगे जो कार्डियक पार्ट है ये नियर होता है किसके, ये नज़दीक होता है हार्ट के, दैट्स वाई वी कॉल इज अ कार्डियक पार्ट। इसको हम इसलिए कार्डियक पार्ट बोलते हैं, कार्डियक पार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कार्डिया बिकॉज इट इज प्रेजेंट नियर द हार्ट, ये हार्ट के नज़दीक ही होता है। तो अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पे जो हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ये तो मैं बना रहा हूँ ईसोफेगस, तो ईसोफेगस तो यहाँ से मैं बना रहा हूँ स्टोमक। अगर हम देखेंगे ईसोफेगस की बात करेंगे, यहाँ पे ईसोफेगस और यहाँ पे, जहाँ पे ये मिल जाते हैं यहाँ पे एक स्पिंक्टर होता है, और उस स्पिंक्टर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल ईसोफेजियल स्पिंक्टर, क्या बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंक्टर, या इसको हम बोलते हैं, इस स्पिंक्टर को हम बोलते हैं कार्डियक स्पिंक्टर भी बोलते हैं, कार्डियक स्पिंक्टर। क्यों बोलते हैं कार्डियक स्पिंक्टर, एक्चुअली इट इज नियर टू द कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टोमक। तो यह ये जो कार्डियक स्पिंक्टर होता है, तो अगर हम देखेंगे ये क्या काम करता है, एक्चुअली इसी से जो इसोफेगस और स्टोमक की जो ओपनिंग होती है, अगर यहाँ से मैं देखूंगा इट्स द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस, यहाँ से मैं देखूंगा ओपनिंग ऑफ द स्टोमक, तो ये कार्डियक स्पिंक्टर जो होता है, तो इसका काम क्या होता है, एक्चुअली कार्डियक लाइज इन द ओपनिंग बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्टोमक, सो कार्डियक स्पिंक्टर लाइज द ओपनिंग बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्टोमक। तो ये क्या करता है, ये ओपनिंग बनाता है किसकी, एक तो इसोफेगस की, दूसरा अगर हम देखेंगे स्टोमक की। तो यहीं से अगर हम देखेंगे जब ये स्पिंक्टर ओपन होता है तब जाके फूड पास होता है कहाँ पे, तो स्टोमक में, तब जाके फूड पास होता है। नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोमक, दैट इज द फंडस। जो फंडस होता है, दूसरा पार्ट जो होता है, एक्चुअली जो फंडस है, इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोमक, इट इज कॉमनली फिल्ड फिल्ड विद एयर एयर और गैस। जो ये दूसरा पार्ट है दैट इज फंडस, एक्चुअली अगर हम देखेंगे इट ऑलवेज फिल्ड विद द एयर और गैस। द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोमक इज दैट इज द बॉडी, सो बॉडी इज द इट इज द मेन बॉडी इज द मेन इज द मेन इज द मेन पार्ट ऑफ द स्टोमक, पार्ट ऑफ स्टोमक। तो अगर हम बॉडी की बात करेंगे, बॉडी ये है, तो बॉडी अगर हम देखेंगे इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द स्टोमक, जहाँ पे फूड ये असेंबल होता है फॉर द सेक ऑफ द डाइजेशन के लिए। सो मेन पार्ट ऑफ द स्टोमक इज दैट इज द बॉडी, क्या है बॉडी। नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ द स्टोमक इज दैट इज द पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट। सो अगर हम देखेंगे पाइलोरिक पार्ट की अगर हम बात करेंगे, पाइलोरिक पार्ट जो है इट इज द पार्ट ऑफ द स्टोमक विच लाइज पोस्टीरियर ऑफ द स्टोमक, द पार्ट ऑफ द स्टोमक विच लाइज पोस्टीरियर ऑफ द स्टोमक। तो पोस्टीरियर साइड से ये होता है स्टोमक के, पोस्टीरियर का मतलब होता है जहाँ से ग्रेटर कर्वेचर होता है वहीं से ये प्रेजेंट होता है। एक्चुअली इट गेट डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, इट गेट डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक एंट्रम, एंड द सेकंड वन इज दैट इज द पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक एंट्रम किसको बोलते हैं, इट्स द ओपनिंग, जो मेन बॉडी को किसके साथ मिलाता है, पाइलोरिक कैनाल के साथ, ये मैंने दिखाया इट्स द पाइलोरिक कैनाल, यहाँ से अगर हम देखेंगे इट्स द पाइलोरिक कैनाल, तो ये अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या होती है ओपनिंग, एंड वी कॉल दिस ओपनिंग एज द पाइलोरिक एंट्रम, क्या बोलते हैं पाइलोरिक एंट्रम बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे है, तो पाइलोरिक एंट्रम। अगर हम पाइलोरिक एंट्रम की बात करेंगे, जो पाइलोरिक एंट्रम इज द ओपनिंग विच लीड्स टू द कैनाल, पाइलोरिक कैनाल, और जो दूसरी दूसरा जो होता है पाइलोरिक कैनाल, पाइलोरिक कैनाल तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से, एंड इट लीड्स टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच वी कॉल्स द ड्यूडेनम। सो अगर हम पाइलोरिक की बात करेंगे, पाइलोरिक एंट्रम की बात है, पाइलोरिक पार्ट की बात करेंगे, पाइलोरिक पार्ट वो पार्ट होता है जो ग्रेटर कर्वेचर पोस्टीरियर साइड से होता है। अगर हम देखेंगे इसके दो पार्ट्स है, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल, पाइलोरिक एंट्रम लीड्स टू द पाइलोरिक कैनाल, व्हाट इज द पाइलोरिक कैनाल, इट लीड्स टू द ड्यूडेनम, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ व्हाट इज द पाइलोरिक स्पिंक्टर, सो पाइलोरिक वन मोर स्ट्रक्चर,
दैट इज द पाइलोरिक स्पिंक्टर। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कॉलिक स्पिंक्टर, इसी तरीके से है पाइलोरिक स्पिंक्टर। पाइलोरिक स्पिंक्टर कहाँ पे होता है? ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, पाइलोरिक स्पिंक्टरम कैनाल के बाद ही तो पाइलोरिक स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है। तो पाइलोरिक स्पिंक्टर क्या काम करता है? एक्चुअली इट गॉड इज द ओपनिंग ओपनिंग बिटवीन ड्योडनम एंड स्टमक। तो ये गॉड करता है यहाँ पे किसको? इन बिटवीन द ड्यूओडेनम एंड द स्टोमक। अगर हम देखेंगे ये जो ये स्पिंक्टर होता है, इट पीरियोडिकली परमिट्स द पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमक टू द ड्यूओडेनम। पार्शियल डाइजेशन ऑफ, जो पार्शियल डाइजेशन तो आपको पता है स्टोमक, यहाँ भी ये तो स्टोमक है, यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड होता है, वो पीरियोडिकली परमिट होता है कहाँ पे? फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम ड्यूओडेनम बोलते हैं। कैसा होता है? ड्यू टू दिस यू नो पाइलोरिक स्पिंक्टर। So, हमने देखा यहां पे, अगर हम देखेंगे स्टोमक की बात करेंगे, यहां पे दो स्पिंक्टर्स होते हैं, एक यहां से होता है फ्रॉम द ब्लो साइड और दूसरा जो अपर साइड से होता है स्टोमक को। जो अपर साइड से उसको हम कार्डिक स्पिंक्टर बोलते हैं, जो गॉड करता है बिटवीन द इसोफेगस, बिटवीन द इसोफेगस इसोफेगस गॉड द ओपनिंग बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्टोमक। द सेकंड वन इज दैट इज द पाइलोरिक स्पिंक्टर व्हिच गॉड इज द ओपनिंग बिटवीन द स्टोमक एंड द ड्यूओडेनम। अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग द एनाटमी ऑफ द स्टोमक, स्टोमक के फोर लेयर्स, स्टोमक वॉल कंसिस्ट्स ऑफ द फोर लेयर्स। द फर्स्ट वन इज दैट इज द सरोसा, सरोसा लेयर। द सेकंड वन इज दैट इज द मस्कुलैरिस, मस्कुलैरिस। द थर्ड वन इज दैट इज द सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा। एंड द फोर्थ वन इज दैट इज द म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा लेयर। अगर हम स्टोमक वॉल की बात करेंगे, म्यूकोसा लेयर, तो अगर हम देखेंगे पहली वाली लेयर जो है सरोसा लेयर है, दूसरी जो है मस्कुलरिस लेयर है, तीसरी जो है यू नो सब म्यूकोसा है, फोर्थ वन इज दैट इज म्यूकोसा लेयर। ये कहाँ से? फ्रॉम आउटर टू इनर। अगर मैं यहाँ से दिखाऊंगा आपको, ये फॉर एग्जाम्पल स्टोमक है, मुझे इसके लेयर्स देखने हैं। आपको पता है स्टोमक ऐसा होता है, तो यहाँ से ये खाली होता है यहाँ से, तो इट इज अ स्टोमक। अब मुझे देखना है कि ये लेयर्स में, ये जो है स्टोमक की, ये जो स्टोमक का वॉल है इसमें कितने लेयर्स होते हैं? मैंने आपको बोला इसमें फोर लेयर्स होते हैं, सरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा लेयर। मगर अगर हम बाहर से अंदर जाएंगे, फ्रॉम आउटर टू इनर, अगर हम इनर टू आउटर जाएंगे, तो पहला वाला जो लेयर आएगी दैट इज अ म्यूकोसा, फिर आएगा सब म्यूकोसा, फिर आएगी मस्कुलैरिस एंड सरोसा। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे देखेंगे कि बाहर से अंदर वाले तक कितने लेयर्स पाए जाते हैं? चार ही। अंदर से ये बाहर जाओ तो चार लेयर आएंगे, तो बाहर से या अंदर आओ तो चार लेयर आएंगे। मगर फ्रॉम आउटर टू इनर हम जाएंगे, फ्रॉम आउटर टू इनर, अगर हम आउटर टू इनर जाएंगे, तो पहली वाली जो लेयर आएगी दैट इज द सरोसा लेयर। नाउ व्हाट इज द सरोसा लेयर? सो सरोसा लेयर, सरोसा लेयर, तो मैंने यहां पे दिखाया, अगर हम यहां से इसको ऐसे काटेंगे तो इस लेयर को मुझे आइडेंटिफाई, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मैं ये दिखा रहा हूँ, तो ये है लेयर्स। तो पहली वाली जो लेयर है दैट इज अ सरोसा लेयर। तो सरोसा लेयर है क्या? इट इज अ पेरिटोनियल कोट, पेरिटोनियल कोट मेड ऑफ सरस कवरिंग, मेड ऑफ सरस कवरिंग। अगर हम देखेंगे ये पेरिटोनियल कोट होता है, सरोसा लेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द, क्योंकि हम ये बाहर से अंदर आ रहे हैं, बाहर से, बाहर वाली लेयर जो है सरोसा लेयर है। मैंने बोला कि ये पेरिटोनियल कोट है मेड ऑफ द सरस कवरिंग का बना होता है। मगर ये इसकी अगर हम बात करेंगे, इट गेट डिफरेंशिएटेड इंटू द टू लेयर्स, आउटर एंड इनर। जो आउटर वाली लेयर है वी कॉल इज द पराइटल लेयर, पराइटल लेयर, और जो इनर वाली लेयर है तो इसको हम बोलते हैं विसरल लेयर। क्या बोलेंगे? विसरल लेयर। बोथ लेयर्स दैट दे आर मेड अप ऑफ द मीजोथीलियम कवरिंग, मीजोथीलियम
ये मीजोथीलियम कवरिंग के बने होते हैं। सो सरोसल ईयर ये है, अगर मैं दिखाऊंगा ये पहली वाली है तो ये अगर हम देखेंगे ये मीजोथीलियल लाइनिंग का बना है, दूसरी वाली लेयर भी अगर हम देखेंगे तो मीजोथीलियल लाइनिंग की बने हो, मगर इस वाले को हम बोलेंगे पैराइटल लेयर क्योंकि ये बाहर से आ रही है, ये बाहर से है, तो इस वाले को हम बोलेंगे इनर विसरल लेयर बिकॉज इट ऑकर्स टूवर्ड्स द ऑर्गन। आया समझ में? तो दूसरी वाली जो लेयर है दैट इज द मस्कुलरिस लेयर, तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इट इज अ सरोसा लेयर, सरोसा लेयर। तो अगर हम दूसरी लेयर देखेंगे जो मैंने रेड से दिखाई, इट इज अ मस्कुलरिस लेयर। व्हाट इट इज? मस्कुलरिस लेयर। तो दूसरी जो लेयर है दैट इज अ मस्कुलरिस लेयर, इट इज अ सेकंड लेयर मस्कुलरिस लेयर। सो मस्कुलरिस लेयर जो है इट इज अ इट इज मे इट इज अ इट इज अ सेकंड इट इज द सेकंड लेयर ऑफ द स्टमक आफ्टर द सरोसा। इट इज मेड अप ऑफ द मसल फाइबर्स। ये किसका बना होता है? मसल फाइबर्स का बना होता है। तो अगर हम देखेंगे इसमें कितने मसल यू नो फाइबर्स का, ये अगर ये मसल लेयर है मस्कुलरिस लेयर है, ये बना होता है तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल के। द आउटर वन जो अब यहाँ से आएगा, पहले यहाँ ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा। तो आउटर वन जो है, आउटर वन इज अ लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स, लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स या मसल फाइबर्स। दूसरा जो है ये तो आउटर है, ये सबसे बाहर है, तो फिर इसके बाद कहां से आएगा? टुवर्ड्स द म्यूकस लेयर। तो अगर हम दूसरा लेयर देखेंगे दैट इज अ मिडल सर्कुलर लेयर, सर्कुलर मसल फाइबर लेयर। और जो इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट लेयर कुछ कौन है? इनर इनर लेयर जो है, इनर लेयर ऑफ मसल्स वो है ओब्लिक मसल्स, ओब्लिक मसल फाइबर लेयर। सो अगर हम इस रेड वाले पोर्शन को लेंगे तो मैंने बोला कि इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द थ्री लेयर्स। द आउटर वन इज कॉल्ड एज द यू नो लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर्स। तो मैं दिखाऊंगा ये सरोसा लेयर है, फॉर एग्जांपल इज द सरोसा लेयर। इसके बाद मैंने आपको बोला कि ये अगर हम देखेंगे ये लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स है। क्या है? लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स। इसके बाद मैंने आपको बोला कि जो मिडल वन है इट इज अ सर्कुलर मस्कुलर लेयर, इट इज अ सर्कुलर मस्कुलर लेयर। तो ये सर्कुलर मस्कुलर लेयर है, तो सर्कुलर मसल्स। जो तीसरा वाला है दैट इज इनर लेयर, इट इज ओब्लिक मसल लेयर। तो ये क्या है? ओब्लिक मसल लेयर, ये ऐसे होते हैं। सो अगर हम मस्कुलर लेयर की बात करेंगे इट इज डिफरेंशिएटेड इन द थ्री लेयर्स। द यू नो आउटर वन इज कॉल्ड एज अ लॉन्जिट्यूडनल मसल, द मिडल वन इज कॉल्ड एज द सर्कुलर मसल, एंड द इनर वन इज कॉल्ड एज द ओब्लिक मसल, ओब्लिक मसल। सो ओब्लिक मसल ये आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखना है, जो ओब्लिक मसल है इट इज ओनली प्रेजेंट इन द स्टोमक, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल दैट इट लैक्स। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल कंटेन्स ओनली टू टाइप्स ऑफ द मसल, लॉन्जिट्यूडनल मसल्स एंड द सर्कुलर मसल्स, बट इट इज द ओनली ओनली इट इज द स्टोमक वेयर यू ऑब्जर्व ऑल द थ्री यू नो मसल लेयर्स, दैट इज द लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर, सर्कुलर लेयर एंड ओब्लिक मसल लेयर। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द यू नो लेयर इज दैट इज द सब म्यूकोसा लेयर, सब म्यूकोसा लेयर। सो सब म्यूकोसा लेयर इट इज अ लेयर विच ऑकर्स इन बिटवीन द म्यूकोसा जो म्यूकोसा लेयर और मस्कुलरिस लेयर के बीच में आता है, मस्कुलरिस लेयर के बीच में। तो यहाँ पे कौन आता है? दैट इज अ सब म्यूकोसा लेयर। अगर हम सब म्यूकोसा लेयर की बात करेंगे दैट इट इज मेनली मेड अप ऑफ द एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू यू नो वेरी वेल दैट वी डील इट इन द यू नो टिश्यूज। एरुलर टिश्यू वो होता है जो आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू में, लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो आता है। तो अगर हम देखेंगे जो एरुलर टिश्यू है, जो ये वाली लेयर है, इट इज हाईली सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल्स। एक तो इसमें ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, और दूसरा अगर हम देखेंगे लिम्फैटिक वेसल्स भी इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। किसमें? दैट इज द सब म्यूकोसा। तो मैं यहां पे लिखूंगा इट इज द सब म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा लेयर। सो स्टूडेंट्स नाउ द लास्ट लेयर इज दैट इज द म्यूकोसा। सो म्यूकोसा लेयर इज द लास्ट वन, म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर की बात करेंगे ये लास्ट वन है एंड इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ म्यूकस कोट, म्यूकस या म्यूकस मेम्ब्रेन,
म्यूकस मेम्ब्रेन, तो ये म्यूकोसा लेयर है यहाँ से है। सो दिस म्यूकोसा लेयर हैज द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। म्यूकोसा लेयर को क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। एंड दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में अगर हम देखेंगे कौन कौन से सेल्स होते हैं, पैप्सिनोजन सेल्स होते हैं, ऑक्सेंटिक सेल्स होते हैं, जाइमोजेनिक सेल्स होते हैं, गॉडेटिया गॉबलेट सेल्स होते हैं, विच सिक्रेट्स यू नो यूजफुल सबस्टेंसेस, जो यूजफुल सबस्टेंसेस को सिक्रेट करते हैं। सो म्यूकोसा लेयर इज द यू नो गैस्ट्रो ग्लैंड लेयर, इट सिक्रेट इज द म्यूकस एंड ऑल्सो इट सिक्रेट इज द सर्टन एंजाइम विच हेल्प इन द डाइजेशन। सो इनर मोस्ट लेयर जो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कैविटी होती है स्टोमक की, कैविटी जो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। सो हमने बाहर से अंदर तक पढ़ा, तो अगर हम देखेंगे नाउ समराइज करेंगे एनाटॉमी ऑफ स्टोमक को, तो यू नो द वॉल्स ऑफ द स्टोमक कंसिस्ट ऑफ द फोर लेयर, सरोसा लेयर, मस्कुलरिस लेयर, सब म्यूकोसा लेयर या म्यूकोसा लेयर। जो सरोसा लेयर है मैंने आपको बोला ये पेरिटोनल कोट ऑफ सरोसा मेम्ब्रेन का बना होता है एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द टू लेयर्स, आउटर पैराइटल लेयर एंड इनर विस्टल लेयर। तो दूसरा जो है मस्कुलरिस लेयर, इट इज डिफरेंशिएटेड इन द थ्री लेयर्स, द आउटर लॉन्जिट्यूडिनल, मिडल सर्कुलर मसल्स एंड इनर ओब्लिक मसल्स। सब म्यूकोसा लेयर मैंने आपको बोला कि इट इज मेड अप ऑफ द एरुलर टिश्यू एंड इट इज हाईली सप्लाइड विद द ब्लड एज वेल एज द लिम्फेटिक वेसल। एंड द फोर्थ वन इज द म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर इज एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस हैज द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स व्हिच सिक्रेट सम सर्टन यू नो सम व्हिच गिव्स या व्हिच प्रोवाइड इज द सिक्रीशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन। व्हाट नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टोमक? द फर्स्ट फंक्शन इज दैट इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड, फूड फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम। द सेकेंड फंक्शन इज दैट इट यू नो चर्न्स द फूड एंड ब्रेक्स द फूड एंड मिक्सेज इट विद द गैस्ट्रिक जूसेस। सो चर्निंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द फूड एंड सेम दैट इट हेल्प्स इन द यू नो मिक्सेज द फूड विद द गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस चर्म भी फूड करता है और ब्रेक भी करता है, फिर उनको गैस्ट्रिक जूसेस से मिलाता है। द थर्ड फंक्शन इज दैट इट सिक्रेट इज द कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। इट इज टू इम्पॉर्टेंट। तो ये आया है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, एम्स में आया, नीट में आया। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, तो अगर हम देखेंगे ये कहाँ से सिक्रीट होता है, ये स्टोमक से ही सिक्रीट होता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटामिन बी ट्वेल्व। वाइटामिन बी ट्वेल्व के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये वाइटामिन बी ट्वेल्व ये जो एब्जॉर्ब होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ द कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर विच गेट सिक्रीटेड फ्रॉम द स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। द फोर्थ वन इज दैट इज जो ये स्टोमक है इट ऑल्सो सिक्रीट इज द गैस्ट्रिन हॉर्मोन। गैस्ट्रिन हॉर्मोन रेगुलेट इज द गैस्ट्रिक जूसेस, तो गैस्ट्रिन हॉर्मोन भी ये सिक्रीट करता है। द फिफ्थ वन इज दैट इज द अगर हम देखेंगे कुछ अल्कोहल, सम अल्कोहल, अल्कोहल एस्प्रिन जो होता है एस्प्रिन, या सम लिपिड्स सॉल्युबल्स ड्रग्स, या लिपिड्स, सम लिपिड्स या ड्रग्स, या अगर हम देखेंगे शुगर्स, या अगर हम देखेंगे वाटर, इट इज एब्जॉर्ब बाय द स्टोमक वॉल। स्टोमक वॉल में ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम और एक फंक्शन की बात करेंगे, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है इट सिक्रीट्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट्स द प्रो सिक्स फंक्शन, दैट्स द प्रो एंजाइम्स भी ये सिक्रीट करते हैं बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट द स्टोमक कंटेन्स द गैस्ट्रो ग्लैंड इन द इनर वॉल, इन द इनर लेयर, दैट इज द म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर ऑल्सो कंटेन सम यू नो सेल्स विच हेल्प इन द यू नो विच प्रोवाइड सम इम्पॉर्टेंट सिक्रीशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन। द फर्स्ट यू नो प्रो एंजाइम, द फर्स्ट यू नो सिक्रीशन फ्रॉम द गैस्ट्रो ग्लैंड इज दैट द प्रो एंजाइम्स लाइक पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, प्रोरेनिन एंड यू नो सम लिटिल क्वांटिटी ऑफ द दैट इज द एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेस, गैस्ट्रिक लाइपेस और गैस्ट्रिक एमाइलेज, नेग्लिजिबल क्वांटिटी में यह निकल जाता है।
अमाइलेसन लाइपेस। तो मेनली क्या निकलता है, पेप्सिनोजन निकलता है, प्रोरेनिन निकलता है। तो ये कहाँ से निकलते हैं, ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलते हैं, जो प्रेजेंट होता है इनर मोस्ट लेयर, जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टोमक, जिसको म्यूकोसा लेयर बोलते हैं। इट वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमक, एनाटमी ऑफ द स्टोमक एंड द फंक्शन ऑफ द स्टोमक।